आजकल कुछ उलमा की तरफ से एक बात सुनने को मिल रही है और वो बात सही भी है कि उलमा को ना छोड़ा जाए, लेकिन आज के दौर में इसमें कुछ बातों का साफ होना बहुत जरूरी है वरना मामला खराब हो सकता है। इस पर पहला बड़ा सवाल यह है कि किसको ना छोड़ा जाए, उन फिरकेबाज उलमा को जिनकी तकरीरें सिर्फ दूसरों को जहन्नम का सर्टिफिकेट बांटने तक महदूद है, या उनको जिन्होंने अपने मसलक को ही 100% सही समझ रखा है और बाकी को गलत। अच्छा, दीन सीखा जाए तो कौन से मसलक के उलमा से सीखा जाए, क्योंकि भाई मसलक तो बहुत है और सबको सिर्फ अपना सही दिखाई देता है, बाकी सारे गलत और खिलाफ सुन्नत दिखाई देते हैं। उलमा के बारे में एक चीज साफ कर दूं यहाँ कि उलमा पहले की शरीयतों में भी थे और अक्सर दीन में जब भी बिगाड़ किया उसके उलमा ने ही किया, क्योंकि आम लोग तो अक्सर अहकाम की बारीकियों से ही नावाकिफ होते हैं। बिगाड़ वही कर सकता है जिस पर इल्म हो। आपस में कुछ मसलों पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वह हक हासिल करने के लिए होता है, एक दूसरे की इस्लाह के लिए होता है, कुफ्र और अहले शिर्क के फतवे लगाने या दायरा इस्लाम से बाहर निकालने के लिए नहीं। यहाँ मैं तरगीब नहीं दिला रहा उलमा को छोड़ने की, बल्कि अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है कुरान में सूरह निसा की आयत नंबर 59 में कि ए ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उलुल अम्र की। तो उलमा को जरूर सुने, उनसे हक हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन सिर्फ अपने मसलक को नहीं सबको सुने। बस उनकी अंधी पैरवी ना करें। वो बताते हैं ना दूसरों के बारे में, इसे सुन लिया तो गुमराह हो जाओगे, उसे सुन लिया तो गुमराह हो जाओगे। कैसे हो जाओगे, इतना कमजोर ईमान है क्या? अगर वो गलत है तो हम सुनेंगे उसकी, क्योंकि 1% बाई चांस अगर वो सही हुआ तो हमारी आखिरत तो बिगड़ी हुई है फिर। इसलिए उनको सुने जरूर, अगर वो गलत है तो सुनने के बाद आपका ईमान अपने अकीदे पर और मजबूत हो जाएगा। सुनने से कोई काफिर या गुमराह नहीं होता। ये कुछ करप्ट मौलवियों के घर के ढकोसले हो सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नहीं। क्योंकि कोई आपको कहे ना कि सूरज चपटा है और ये भी कहे कि साइंस पढ़ ली तो गुमराह हो जाओगे, तो आपने जिंदगी भर गुमराह ही रहना फिर। अच्छा, उलमा के बगैर कौन दीन को समझता है? क्या सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन हमारे इमाम नहीं है? खुलफाए राशिदून के हमारे इमाम नहीं है? क्या सही बुखारी, सही मुस्लिम और दीगर अहदीस की किताबें और मजमूए क्या मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन ने सिर्फ आलिमों के लिए लिखी हैं? हम भी इसी से स्टडी करते हैं ना, और अल्हम्दुलिल्लाह आज के उलमा को भी सुनते हैं, लेकिन वो जो हक बात करते हैं। कुछ मसलों पर इख्तलाफ हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है। अब कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे मासूम तो नहीं है ना, लेकिन वो उम्मत बनकर रहते हैं, फिरका नहीं। उन्होंने खुद को जन्नत का ठेकेदार और बाकियों को जहन्नमी नहीं समझ रखा है। हम भी उलमा को ही सुनते हैं, हमारे पास कोई वही नहीं आ रही अल्लाह की तरफ से, लेकिन साथ ही साथ हम कुरान और सुन्नत को स्टडी भी करते हैं, उसी को हुज्जत मानते हैं। आज के दौर के कुछ लोग हैं जिनकी मेहनत है दीन के लिए, उनमें आपस में डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन वो फिरका परस्ती से वाबस्ता नहीं है। कुछ के नाम यहाँ लूंगा मैं। सबसे पहले मौलाना तारिक जमील साहब, उम्मत के इत्तेहाद और उम्मत के बीच मोहब्बत का पैगाम आम करने का काम जो उन्होंने किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। उनकी मुहिम से कई नौजवान दीन के नजदीक आ गए जो दुनिया परस्ती में मुब्तिला थे। दूसरे मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद साहब, कुरान की तफसीर पर जो उनका गौर और फिक्र है वीडियो के लिहाज से, वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जावेद अहमद गामड़ी साहब, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, कुरान पर काफी गहरी रिसर्च है उनकी। एडवोकेट फैज सैयद भाई, इंडिया के हैं, काफी छोटे से छोटे मसलों को उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में डिस्कस किया है। मुफ्ती मैंग है, हालांकि उनके लेक्चर सिर्फ इंग्लिश में होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अब भाई आखिर में दो ऐसे नाम जिनको मैंने सबसे ज्यादा सुना है, एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई, जिनका शिया सुन्नी इख्तलाफ पर काम काबिल तारीफ है, और दीन के अंदरूनी इख्तलाफी मसाइल को जो उन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर एड्रेस किया है, उसका तो क्या ही कहना। मुझे दीन के इख्तलाफी मसाइल पर उस लेवल का काम किसी का नहीं मिला, ऑनेस्टली। और एक सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब, जो इंडिया से हैं, और एज एन इंडियन हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी गलत फहमियों को दूर करने का जो उनका काम है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मोहब्बत के साथ सभी मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों को एक माँ बाप की औलाद होने के नाते अपना भाई समझते हुए, अपने पैदा करने वाले अपने उस एक मालिक से जुड़ने के नाते जो उनका काम चल रहा है, मैं कहता हूँ इंडियन होने के नाते आपको उन्हें जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कुरान में, हदीसों में और हिंदू भाइयों के वेदों में कई ऐसी कड़ियां हैं जिनको उन्होंने जोड़कर हकीकत को लोगों के सामने रखा है। आज के हालात में जबकि शैतान नफरतों को लगातार आम कर रहा है, तो उम्मत का रुख किधर है? कहीं हम खुद ही तो अपने आप पर कुछ जुल्म नहीं कर रहे? हिंदुस्तान के मसलों का असल हल क्या है? ये कौन सी कौम है? कहीं इस कौम का जिक्र हदीसों में तो नहीं? क्यों इस कौम के ग्रंथ वेद खालिस तौहीद से भरे हैं? कहीं इनके यहाँ किसी मैसेंजर का जिक्र तो नहीं जिसे ये भूल चुके हों? कुरान हमें बताता है कि दुनिया के हर हिस्से में अल्लाह ने अपना पैगंबर भेजा, यहाँ कौन आया था? कहीं वो तो नहीं जिसे हम अच्छी तरह जानते हों? कहीं मैदान हश्र में हम इन पर गवाह तो नहीं बनने जा रहे? अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में सब सवालों के क्लियर जवाब दिए उन्होंने। उन्होंने समझाया है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत थे, रहमतल्लिल आलमीन थे, तो क्या हम भी उनके नक्शे कदम पर ऐसे हैं? उनकी फिक्र और मोहब्बत जो गैर मुस्लिम भाइयों के लिए थी, क्या वही शिद्दत और मोहब्बत हमारे अंदर भी है, या हम किसी और रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र सिर्फ 5 वक्त की नमाज और दीगर अहकाम थे, या बुनियादें कुछ और थी? इंडियन सुने जरूर सुने, आज के हालात में बहुत ही जरूरत है। इन सब के अलावा भी बहुत से आलिम हैं जो दीन के लिए मेहनत कर रहे हैं, सबके नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी को डाउनग्रेड कर रहा हूँ, नहीं। आगे मैं और को सुनूंगा तो और भी बहुत से होंगे, लेकिन सिर्फ वो जो कुरान और सुन्नत को लेकर उम्मत बनकर चल रहे हैं, फिरका नहीं।
अच्छा जो नाम मैंने बताई नालियों में से कुछ के पास डिग्रीज हैं कुछ के पास नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ क्या सहाबा रजी अल्लाह अनहुम अजमईन के पास डिग्रीज थी, या उनके बाद जो मुहक्किकीन रहे वो कौन से मदरसे से फारिग थे? जहां तक मैं जानता हूँ इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह अन खुद कपड़े के ताजिर थे, लेकिन चलो फिर भी जिनके हिसाब से डिग्री ही बुनियाद है तो फिर इस बुनियाद पर तो शिया उलमा सबसे बेहतर है, क्योंकि उनके आलिम तो 17 साल में तैयार होते हैं, सबसे बड़ी डिग्री तो उनकी हुई। फिर यहाँ एक बात बता दूं कि मैं शिया भाइयों को भी अपना मुस्लिम भाई मानता हूँ, इख्तलाफ हो सकता है कुछ वो उनसे ही नहीं सुन्नियों से भी हो सकते हैं, लेकिन भाई समझते हुए उनकी बुनियाद नफरत नहीं होनी चाहिए। वापस अपनी बात पर आता हूँ, कोई सेकंड क्लास का बच्चा आपसे कहे कि 2 और 2 4 होते हैं तो आप उसकी बात मानेंगे या ये जिरह करेंगे कि इसके पास डिग्री नहीं है? क्योंकि PhD वाला बोल रहा है कि 2 और 2 5 होते हैं वो सही है। तो अगर कोई इंसान आपको कोई बात बताए तो उसको कुरान और सुन्नत पर चेक करें, गलत हो तो उसकी इसलाह करें। ये कहाँ का तरीका है कि अरे ये तो खवारिजों के रास्ते पर चलेगा? और भाई खवारिजों का जिक्र भी हदीसों में मौजूद है और उनकी दलीलों का बॉयकॉट भी मौजूद है, उनके जवाब इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने दिए थे, सुनन नसाई में पूरी हदीस मौजूद है। कुरान और हदीस को स्टडी करने वाला नहीं बनेगा, उसे पता है उनका अकीदा, उन्होंने तो सहाबा रजी अल्लाह अन्हु मजमा इनके खिलाफ बगावत की थी, जो नहीं पढ़ते वो तो बन भी जाए शायद। सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान नबी की सीरत को पकड़कर चल रहा है आप उसे जहन्नम का सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? अल्लाह ने कुरान में फरमाया है ना कि क्या तुम गौर और फिक्र नहीं करते, तो वो अल्लाह के फरमान पर अमल कर रहा है। आप किसी से इख्तलाफ करें उसकी नियत पर हमला क्यों करते हैं? नियत अल्लाह के हवाले है। दुआ है कुरान में सूरह अल बकरा में कि ए अल्लाह हमें ना पकड़ अगर हम चूकें, तो नियत अल्लाह जानता है, वो खुद फैसला करेगा। आप सिर्फ इसलाह करें ना, ठेकेदार बनने की कोशिश क्यों करते हैं? अरे वो बंदा हक को हासिल करने की कोशिश ही कर रहा है ना, अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर रहा है। अक्ल को इस्तेमाल करने पर आप कौन सा फतवा लगाएंगे? गलती किसी से भी हो सकती है, हो सकता है जो पूरा लेक्चर मैं दे रहा हूँ इसके बीच में मुझसे भी कुछ गलती हो गई हो। इब्ने आदम हूँ, फरिश्ता तो नहीं, तो कोई मेरी इसलाह करे ये बेहतर है या मुझे खारिजी डिक्लेयर कर दे ये बेहतर है? बल्कि उन खवारिजों की तो सबसे बड़ी बिदत ये थी कि उन्होंने मुस्लिम्स को दायरा इस्लाम से बाहर निकाला था, उन्होंने माजल्ला मौला अली रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ फतवे निकाले थे। अक्ल की बुनियाद पर इख्तलाफ हो सकता है, फिर लोगों की इसलाह हो सकती है। हाँ, दूसरों को जहन्नम में डिक्लेयर करना जरूर खवारिज की निशानी हो सकती है। अगर अक्ल का इस्तेमाल ना करे तो अल्लाह ने हमें अक्ल दी क्यों फिर? या कहीं ये कह दिया हो कि अक्लों पर ताले लगाकर बैठ जाना? बल्कि अल्लाह ने बताया है कुरान में कि बेशक कान आंख और अक्ल से सवाल किया जाएगा, और ये कि क्या तुम अपनी अक्लों का इस्तेमाल नहीं करते? और गुमराह लोगों की निशानी बताइए कि उनकी आंखें हैं वो देखते नहीं, उनके कान हैं वो सुनते नहीं, उनके पास अकलें हैं लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करते, उनसे गौर और फिक्र नहीं करते। तो हम किसी की पैरवी ना करें, सुने सबकी करें वो जो कुरान और सुन्नत पर साबित हो जाए। अब साबित ही ना कर पाओ तो तुम्हारी गलती है, ये हक तो गालिब आता है। एक सही आलिम कभी अपनी पैरवी को नहीं कहता, वो कुरान और सुन्नत की दावत देता अपने मसलक की नहीं। कुरान का हुक्म यह है कि दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। तो दोस्तों जो आयत मैंने बताई थी उलुल अम्र की इताअत के बारे में उसका आखिरी हिस्सा भी बता दूं, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उलुल अम्र की। और अगर किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए तो फतवे ना लगाओ, दायरा इस्लाम से बाहर ना निकालो, वापस लौटो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बुनियाद तो वही रहेगी कि सुनो सबकी और करो वो जो कुरान और सुन्नत पर साबित हो जाए। बस यहीं अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह हमें उलेमाए हक से वाबस्ता होने की तौफीक अता फरमाए और उलेमाए सू के फितने से हमारी हिफाजत फरमाए और हमें कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर मुत्तफिक होने की तौफीक अता फरमाए।